हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो चीटर लोग हैं वो हमारा पैसा कैसे अकाउंट से ले रहे हैं। आज हम जानते हैं कि हमको CVV कार्ड नंबर एक्सपायरी नहीं देना है और हम नहीं भी देते, फिर भी ये लोग कैसे चीटिंग कर लेते हैं देखते हैं। जनरली क्या होता है, पहले ये लोग हमें एक बल्क SMS के द्वारा एक SMS भेजते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि देखो उन लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत होता है। अगर आप स्क्रीन देखते हो तो यहाँ लिखा है, देखो PayTM, तो PYTM लिखा है और वहाँ पे KYC लिखा है। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि ये PayTM का मैसेज है और हम इसको रिप्लाई करते हैं कि हाँ मेरा PayTM क्या एक्सपायर्ड हो गया है। तो हम इस नंबर पर कॉल करते हैं तो जो बंदा रहता है वो बोलता है कि हाँ आपका एक्सपायर हो गया है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो एक्सपायर नहीं हुआ है फिर भी मुझे मैसेज आया है, तो आपको ये बोलेगा कि आपका 60% कम्प्लीट है, 40% रिमेनिंग है। कैसे भी करके आपको कन्विंस करेगा कि हाँ आपका जो PayTM का KYC है वो कम्प्लीट नहीं है। तो अगर आप कन्विंस हो गए तो वो फिर बोलेगा कि अभी आपको क्या करना है, अभी हमारा लेटेस्ट जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद ही आपको अपना PayTM KYC अपडेट करना है और उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डालना रहेगा आपके मोबाइल पे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको आपका PayTM KYC अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा एप्लीकेशन होता है आप देखिए, या तो वो आपको बोलेंगे कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर से AnyDesk नाम का ऐप इंस्टॉल कीजिए, या फिर वो लोग बोलेंगे कि आप टीम व्यूअर का सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन है वो आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कीजिए। देखिए ये दोनों सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं। जनरली क्या होता है कि सभी लोगों को पता नहीं होता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या है। ये सॉफ्टवेयर कोई नेगेटिव सॉफ्टवेयर नहीं है, ये यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, बट सभी को पता नहीं होता है कि ये सॉफ्टवेयर का क्या बेनिफिट है, क्या यूज़ है, क्या उसका ड्रॉबैक है। तो इसका पता सबको नहीं है तो उसका बेनिफिट ये लोग चीटर लोग उठा रहे हैं। अभी क्या होगा, ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर आप इंस्टॉल करोगे, फिर जब ये ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगी तो एक 9 या 10 डिजिट का नंबर ये एप्लीकेशन आपको असाइन करेगी और बोलेगी कि ये नंबर आप शेयर करो जिसके साथ भी, उसके साथ आप अपनी स्क्रीन शेयर कर पाओगे। अभी आएगा रोल चीटर का, वो क्या बोलेगा कि हमने आपको एक कोड भेजा है। एक्चुअली उन्होंने कोई कोड नहीं भेजा है, वो कोड किसका है, ये एप्लीकेशन ने जनरेट किया है और उस कोड से हम अपनी स्क्रीन है उसको हम रिवील कर सकते हैं। तो वो बोलेगा कि ये कोड हमने भेजा है, और जनरली ये जो कोड रहता है वो 16 या फिर 14 से स्टार्ट होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि हमने 16 या 14 वाला कोड आपको भेजा है, तो हमको लगता है हाँ सही है, तो हम वो कोड उसको रिवील करते हैं। तो रिवील करने के बाद क्या होता है, हमको ये जो एप्लीकेशन है वो हमको 2 से 3 बार पूछती है कि हाँ आप अपनी स्क्रीन को रिवील करना चाहते हो, यस 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 अलाउ अलाउ, और वो लोग क्या करते हैं, हाँ आप अलाउ करते जाओ अलाउ करते जाओ। और हम उस टाइम पे लोग क्या होता है देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है कि क्या वो एप्लीकेशन में बोल रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो बंदा रहता है वो अपनी स्क्रीन को रिवील कर देता है। अब आएगा पार्ट 3, अभी क्या बोलेगा ये चीटर, आपको बोलेगा कि आपको 1 से 10 के बीच में PayTM पर ट्रांजेक्शन करना है। जनरली हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ हम मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन में 1 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन करते हैं और अपना अकाउंट कंफर्म करने के लिए, तो हमको लगता है हाँ चलो ठीक है 1 से 10 रुपये में कोई अमाउंट हम डाल देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या किया, हम 1 से 10 रुपये में सपोज़ 5 रुपये का ट्रांजेक्शन किया। अभी वो बंदा क्या बोलेगा कि सपोज़ आप PayTM से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपको क्या बोलता है, आपको अपने अकाउंट से PayTM के वॉलेट में 1 से 10 रुपये अपने वॉलेट, हम मान लेते हैं 5 रुपये बोल रहे हैं कि आपको अपने PayTM वॉलेट पे 5 रुपये डालने हैं। ठीक है, तो आप वो डाल रहे हैं और वो डालने कैसा है, जो आपको PayTM में वो नंबर आपका कार्ड का नंबर सेव नहीं होना चाहिए, कोई नया कार्ड डालिए आप। अभी नया कार्ड डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो 16 डिजिट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है वो आपको नंबर डालना पड़ेगा। और अभी सोचिए आपने क्या किया था, अपनी स्क्रीन को रिवील किया था, अपनी तुम्हारी जो स्क्रीन है ना वो सामने वाला बंदा देख रहा है, मतलब क्या हुआ,
कि आपका जो भी आप डेटा इसमें एंटर कर रहे हो, अपने जो मोबाइल, अपने जो डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का डेटा जो है वो आप इसमें डाल रहे हो, तो क्या होगा कि वो बंदा वो नंबर लिख रहा है। दूसरी बात, आप कार्ड का नंबर डालोगे, फिर आप एक्सपायरी डालोगे, वो भी उसने लिख लिया। अभी आप डालोगे अपना CVV, तो वो भी देख लिया। तो देखो, अपने कार्ड की पूरी डिटेल उनके पास हो गई है। अभी अभी क्या होगा, हमारे मोबाइल पे फायरबेस का जब ट्रांजैक्शन करेंगे ना, तो हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा, तो वो OTP भी वो देख सकता है। तो वो क्या करेगा, इस सेम OTP को देख के वो एक ट्रांजैक्शन कर देगा। जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं वो OTP वन टाइम पासवर्ड, तो वन टाइम ही यूज़ होता है। अगर ये वन टाइम का दो सेकंड टाइम भी वो यूज़ कर सकता है, क्या कर सकता है, उसके लिए मैं गारंटेड गेम श्योर नहीं हूँ। बट क्या होता है कि वो फिर देखो हमारी सभी डिटेल उसके पास, वो कोई ट्रांजेक्शन करेगा तो फिर हमारे मोबाइल पे OTP आएगा और उस OTP को तो वो देख सकता है, ठीक है। तो वो OTP देख लेगा, सीधा ट्रांजेक्शन उसके कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके वो अपना अकाउंट पूरा का पूरा खाली कर देगा। तो ये अभी मॉडस ऑफ ऑपरेंडी हो गई है इन लोगों की। तो होता क्या है, लोगों को चीट कर रहे हैं ऐसा बोल के, पेटीएम से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं। एक्चुअली ये पेटीएम वाले नहीं होते हैं, और लोग क्या करते हैं, पेटीएम में फ़ोन करते हैं कि आपके यहाँ से फ़ोन आया था तो हमारा चीट हो गया। नहीं, पेटीएम को पता ही नहीं है ना। अगर कोई बंदा रहेगा और किसी दूसरे के पास जाएगा कि हाँ ये मुझे इस आदमी ने भेजा है आपको, आपसे इतने पैसे लेने के लिए, और एक्चुअली उस आदमी ने भेजा ही नहीं है, तो ये चीज़ ऐसा हो गई, ठीक है। तो बी केयरफुल फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। एक्चुअली ये चीज़ मेरे भाई के साथ ही हो गई थी, तो आई थॉट कि मुझे ये सा एक वीडियो बनाना चाहिए सो दैट आई कैन शेयर दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द पीपल, और लोग उससे बच सके। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।